যারা বেড়াতে ভালোবাসেন তাদের জন্য বাংলা ট্রাভেল গাইড, লিংক ডেসক্রিপশনে। আজ মানে ধন্যবাদ দূঙ্গা দেবেন্দ্র জি নে অভি ইয়হাঁ পর কাহা কি হম লোগ বাড়া সাহেব ঠাকরে জি কে শিবসৈনিক কো সমর্থন দে রহে হ্যাঁ। ইয়ে উনকে দিল কা বহুত বড়প্পন হ্যায়, এসা কবি কোই করতা নেই জিসকে পাস 120 বিধায়ক হ্যায়। জিসকে পাস 120 বিধায়ক হোনে কে বাবজুদ ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है, ये तो मुख्यमंत्री पद है। और ये आज उन्होंने शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी के सैनिक को एक सपोर्ट किया है, इसलिए मैं आदरणीय प्रधान नरेंद्र जी मोदी साहब को धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार मानता हूँ। वैसे ही मैं गृह मंत्री अमित जी शाह साहब को भी धन्यवाद देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं, उनका भी धन्यवाद। और खास करके मैं देवेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद भी इस पद को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा है मैं भले मंत्रिमंडल में नहीं लेकिन मैं इस राज्य के विकास के लिए सरकार के साथ हूँ। ऐसा जो इस राज्य में नहीं बल्कि देश में ऐसी मिसाल एक मिसाल होगी, और आज के जमाने में ऐसा करना मुझे नहीं लगता ऐसा कोई कर सकता है। और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनके सभी सहयोगी जो है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। इतना ही मैं कहूँगा, जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने हमारे जो 50 विधायक है उनके ऊपर जताया है, आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी ने, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय जी ने, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष उन्होंने जो विश्वास जताया है उसको निश्चित रूप से हम लोग सार्थक करने की कोशिश करेंगे। और जो 40 और 10 50 विधायक जो है उनके बलबूते पर ये हम लोग यहाँ तक लड़ाई लड़ी है, एक वैचारिक लड़ाई है, और उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा कि एक तरफ पूरी सत्ता है, एक तरफ पूरी सरकार है, एक तरफ बड़े बड़े नेता है, मैं तो उनके सामने एक छोटा कार्यकर्ता के रूप में मैं अपने आप को समझता हूँ। लेकिन 50 लोगों ने मुझ पर जो विश्वास और जो भरोसा जताया है उसे कभी भी मैं बिल्कुल तोड़ूंगा नहीं, उस पर खरोच भी नहीं मैं आने दूंगा। और उनको पहले जो अनुभव आया है पिछले 2.5 साल में उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी भी मैं पूरी तरह खबरदारी लूंगा। इतना ही मैं कहूँगा, और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जो भी करना है विकास के लिए हम सब आप लेकिन हमारे साथ रहिए।